हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आलू की पूड़ी बनाना सीखेंगे, जो बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसे कैसे बनाते हैं, चलिए आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों, आलू की पूड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 2 कटोरी आटा और 1 गेहूँ का आटा है, 2 उबले हुए बड़े से आलू। हमने आलू को पहले से उबाल कर रख लिया था। अब हम आटे में डालेंगे मसाले, जो है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। लाल मिर्च पाउडर भी स्वाद के अनुसार आपको लेना है, आपको जितना तीखा खाना पसंद हो। उसके बाद हमने जो आलू उबाल कर रखा हुआ था यहाँ पे, उसका हमने टेक्सचर बना करके अब हम इस आटे में मिला देंगे। और इस आटे को मिला करके इस मसाले को थोड़े थोड़े पानी डालते हुए इसका हम एक अच्छा सा डो बना करके तैयार करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इस आटे का एक बहुत ही सुंदर डो बना करके तैयार कर लिया है पूड़ी के लायक। अब हम इसे पूड़ी बनाएंगे। तो पूड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ तेल गरम कर लिया है। अब हम छोटे छोटे लोई बना करके इस तरह से बेलते हुए हम पूड़ी को तेल में तल लेंगे। तो देखिए, पहले हम छोटी सी लोई डालकर देखेंगे, चेक करेंगे ये तेल गर्म है या नहीं है। तो तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पूड़ी डालते जाएंगे और एक एक बारी बारी करके पूड़ी को हम निकालते जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें हल्के हल्के हाथों से हिलाते हुए पूड़ी को बनाना है। देखिए दोस्तों, ये हमारी पूड़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई। अब हम सेम प्रोसेस के द्वारा, इसी तरह से हमने जितने भी आटे बनाकर रखे हुए सारे पूड़ी को इसी तरह से सेम प्रोसेस के द्वारा हम पूड़ी को बना करके और तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी दूसरी पूड़ी भी बनकर के तैयार हो गई। तो इसी तरह से हमने जो जितने भी आटे बनाकर डो बनाकर तैयार किया हुआ है, सेम प्रोसेस के द्वारा हम सारे पूड़ी बना करके और तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी ये पूड़ी बनकर तैयार होगी, जो बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत सुंदर भी दिख रही है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो बाय दोस्तों।